दो मसाले बताना चाहता हूँ, उनमें से एक ज़रा मुख्तसर है तो वो पहले बता दूँ, फिर दूसरा थोड़ा सा मुफस्सल है वो बाद में। मुख्तसर तो ये है कि शादी वगैरह जब लोग करते हैं तो जहाँ मंगनी हो जाती है, मंगनी से लेकर शादी तक जानी बहन एक दूसरे की दावतें करती हैं, खवातीन भी एक दूसरे की, वो उनको बुलाते हैं, वो उनको बुलाते हैं, फिर उनको खिलाते हैं, उनको खिलाते हैं, बार बार वो बोले वो बोले वो बोले वो बोले ऐसी दावतें करते हैं। अभी एक हादसा ऐसा हुआ कि हम लोगों को परेशान करते हैं कि कबूल कर लें या न करें, जाएं या न जाएं, बहुत वक्त लेते हैं, वक्त उबारे करते हैं, तो जान के लोग बेचारे जान बचाने के लिए वो, मैं सोचता हूँ कि ये डिफा कर देंगे तो ये फिर वो जान बचाने के लिए फिर मेरे साथ में कहते हैं उनसे बात करें, मैं कहता हूँ इनसे बात करें, ये कह देते हैं मुझसे बात करें, वक्त उबार करते रहते हैं, जान लेना चाहते हैं। इसका एक तरीका बताता हूँ, खासतौर पर उलमा और यहाँ के पहले इसका मैं अपना तरीका बताना चाहता हूँ कि मैं क्या तरीका इख्तियार करता हूँ और आप लोग ऐसे मौके में क्या करते हैं। वो यह कि इस तरीके से खवातीन का खासतौर पर दावतों में वो वजह होकर मुकाबला की दावतें मेरे जौक के खिलाफ है, मेरे जौक के खिलाफ, मैं इनको नामनासिब समझता हूँ। आगे रही ये बात कि ये जायज है या ना जायज, वो इस पर माफूस है कि आधार का इल्म हो और वो मुझे उसका इल्म नहीं है और तहकीक करने की फुर्सत भी नहीं है, जायज ना जायज अपने आधार के मुताबिक होगा, मैं नहीं कह सकता कि ये जायज है या ना जायज। इसको तो ये सिलाई ताल्लुक है, फिर नाजवात है तो मैंने बता दिया कि हमें इसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए, ये मसला हो गया मुख्तसर का। दूसरा मसला पहले की तहरीर यहाँ शायद लिखी है या जबानी कुछ लोगों को याद होगा तो अब कर तफसील से बता दूँ कैसे कितनी मकबूल हो जाए। वही है कि खवातीन की तीन किस्में हैं दीनदारी के लिहाज से, वो तीन किस्में हैं तो खवातीन में भी, मगर यह मसाला खवातीन का है। एक वो जो दीनदारी में पक्की है, दूसरी वो जो दरमियान में लड़क रही है, दीनदार बनना चाहती हैं मगर सही तौर पर अभी वो इधर भी डरती हैं, दीनदार पक्की बन गई तो क्या होगा, और बेदीनी में भी डरती हैं, कुछ फिक्र पैदा हो गई बहन बहन। तीसरी वो किस्म जो मुकम्मल तौर पर बेदीन हैं, जो मुकम्मल बेदीन हैं वो तो सैर और तफरीफ करती रहती हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं चली गई, कभी कभी चली गई, और उनका तो काम ही मरी जा रही है। लतीफा छोड़ दूँ दरमियान में, वो एक शायर बरीफ तबा थे तो वो जा रहे थे मरी, बस में बैठ गए। अब तो मालूम नहीं, उस जमाने में मालूम हुआ था कि वहाँ की बातें जो हैं वो मुस्तर है, जब मर्दों और तुम भी सब एक ही जगह बैठ जाते हैं। एक अब तो एक खातून वो भी आकर पंच अंदर बगल में बैठ गई, देख रही है शायद साहब मेरी से दाढ़ी वाड़ी का फायर और पैसे भी अच्छे मोटे काले, पास बैठ गई बगल में। तो ये बेचारे बहुत परेशान हुए कि मैं क्या करूं, उसको बगाने की तरबीत अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी। उससे पूछा मुनकरमा आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ तशरीफ ले जा रही है, उसने कहा मरी जा रही है। अब वो उसने जैसे आजकल का वो है मरोबत, जब उसने पूछा सर, उसने भी पूछा आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ही मरा जा रहा हूँ, वो जो उसका भाग ये बुला तो बड़ा खबर भाग में मरी जा रही हूँ, तो देखा मैं ही मरा जा रहा हूँ, तो कर दिया।
बेदीन औरतें तो वो मरी जा रही है, मरी शायद करीब जा रही है, वैसे भी मरी जा रही है, इश्क में मरी जा रही है। उनकी तो बात छोड़िए, जो दीनदार हैं वो घर से एक पांव बाहर निकालना समझते हैं कि कोई मुसीबत है। घर की चार दीवारी में बंद रहती हैं तो उनकी सेहत खूब ठीक रहती है, तंदुरुस्त रहती है। घर से बाहर जैसे निकली तो बीमार हो जाती है। अल्लाह ताला के अपने बंदों के साथ रहम और करम का ये मामला है कि जैसी जैसी जरूरत होती है अल्लाह के बंदों को, अल्लाह ताला वैसे हालात वैसी अवाब उनकी सेहत के मौके बना देते हैं। अल्लाह ताला का करम कुरान करीम में साफ साफ खुश नसीब मफाद المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کی حدود کو نہ بڑا تبا ہوا کہ نہ تبا ہوا جاریت کی گھروں میں بند ہو کر بیٹھو اور نہ کی لیے کسی وقت بعد میں ان بچوں سے پوچھ رہی ہے پڑھنا کون سا چیز ہے بعد میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے حالات کو بند رہنے کو ان کی صحت کے لیے نافع بنا دیتے ہیں۔ جیسے مچھلیاں دریا میں رہیں تو وہ زندہ رہتی ہیں، مچھلی دریا سے نکل جائے سیر کروائیں، اس کو مری کی سیر کروانے لے جائیں، کو ماریاں کی سیر کروانے لے جائیں تو وہ تو مر جائے گی، جب تھوڑی دیر بھی ہوگا تو اسی میں رہ رہے ہو۔ اللہ کی بندیاں وہ گھروں میں رہیں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، ان کو تفریح کے لیے، صحت کا خیال رکھنے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، باہر نکلے گی تو اللہ تعالیٰ بیمار کر دے۔ درمیان میں تیسری قسم رہ جاتی ہے تو وہ لوگ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل بند ہو کر بیٹھتے ہیں تو بیمار ہو جائے گی، اور تو خود بھی کہتی ہیں بیمار ہو جائیں گی، ان کے شوہر بھی کہتے ہیں بیمار ہو جائیں گی، ذرا اس کا تفریح کر لیں۔ تو ایک خاندان ابھی ابھی گیا ہوا ہے سیر کرنے، نئے بیوی کے اسی پر یہ یاد کیا ہے کہ دوبارہ ایک ذرا تفصیل سے بتا دوں، بیوی کے ساتھ سیر کرنے گئے ہوئے ہیں مری مری کی طرف، واپسی پر شاید پشاور میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سیٹ نہیں مل رہی، ہوائی جہاز کی سیٹ نہیں مل رہی اور یہاں حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بھی خطرناک ہیں، ہم کی چیز مل نہیں رہی تو پریشان ہو رہے ہیں، یہاں گھر میں اپنے فون کر رہے ہیں، بڑے حالات خطرناک ہیں، بڑا خطرہ چیز نہیں مل رہی۔ ان کے پاپا نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے فون آیا، تو میں نے کہا تو کیوں گئے، بیوی کو لے کر کیوں گئے؟ پاپا نے کہا کہ وہ میری بات تو آج کل اولاد کو کہنے کا زمانہ نہیں ہے، بچوں کی بات مان کے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جیسے وہ آ جائیں ذرا میرے پاس بھیجیں تو میں ان کو مسالہ لگاؤں گا، حالانکہ مجھ سے اسلائی تعلق نہیں ہے، اگر مسالہ کبھی کبھی دوسروں کو بھی لگا دیا جاتا ہے شاید لگ جائے۔ تو اس پر خیال ہوا کہ کیسے بھی گھر گئے ان کو بلانے کی بجائے ایسے بھی ان کو دے دی جائے، کسی کو سمجھا۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ سمجھنا یہ کہنا کہ گھر میں بند رہنے سے، عورتوں کے گھر میں بند رہنے سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، باہر نکلنے سے صحت درست رہتی ہے، ایک بات کی وضاحت کر دی کہ اس کی دلیل ہے کہ ان میں ایسی دینی خوف بھی پیدا نہیں۔ جو عورت دیندار بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ گھر کی تن فضا کو اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنا دیتی ہے، اور بیرونی کھلی فضا کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مضر بنا دیتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ابھی وہ لڑک رہی ہے، بیوی دونوں لڑک رہے ہیں، ادھر ادھر بیوی اور اس پر ہے وہ بردق میں بردق میں جنت دوزا کے درمیان کیا ہے یہ آراہ میں ہے، اللہ کرے کہ ادھر کو آ جائیں جنگل کی طرف کو آ جائیں گے تو پھر ان کو گھر کی طرح واپس ہو جائے گی، ابھی آراہ میں خطرہ کے کہیں ادھر ہی نکل جائے، بات یاد رکھیں۔ پکے دیندار بنے، پکے لڑکتے نہ رہیں۔ دوسری بات،
एक औरत ने अपने हाथ में लेखा अकल और शरा की बात तो बताऊंगा जी, तो पहले एक उसके मुताबिक शवाहिद बता दू। एक औरत ने तो अभी अभी लिखा, चंद दिन हुए से पहले के वाकयात भी याद आ रहे हैं, बहुत सी खबातीन अपने हालात में लिखी। किसी पर बाहर किसी मर्द पर नजर पड़ी तो इस पर शहवत का वालाबा हो गया। खिड़की में से बाहर देख रही थी तो किसी मर्द पर नजर पड़ गई तो इस पर शहवत का वालाबा हो गया। एक औरत ने जैसे अपने घर से बाहर गई तो शहवत का वालाबा हो गया। इतना अलाबा हुआ, इतना अलाबा कि ऐसे देख रही थी कि कई शिया अपनी मुझे देखते हुए। वो तो अल्लाह का शुक्र है, गुनाह से बचने का जो नुस्खा मुझे बताया गया था तो वो नुस्खा उस वक्त इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला ने हिम्मत अता फरमा दी कि शिया अपनी की जमात से मैं बच गई। ये खवातीन अपने हालात में लिख रही हैं, ये तो वो लिख रहे हैं ना कि जिनको कुछ आदरत की ठीक नहीं, जिनको ठीक है तो वही लेते। जिनमें अभी इतनी पुख्तगी है नहीं, ठीक नहीं है तो वो तो समझे कि बहुत अच्छा हुआ शिया के लिए, तो एक जमात है वो तो कई जमातों को हल कर जाए, तो बहुत खुश होती है। बिना जरूरत शदीदा घर से खवातीन जब बाहर निकलती हैं तो पहले एक नंबर पर शफाई बताती हैं अपने हालात, बहुत सख्त गाला बात। दूसरा नंबर आंखें और कान और जबान, ये तीन चीजें, ये तीन नारियां हैं जिनके जरिए से बातें दिल में जाती हैं, दिल की तरफ जाने के लिए नाद जाए। इंसान जो बोलता है, जो खुद बोलता है उसका असर अपने दिल पर होता है, जो सुनता है उसका असर होता है, जो देखता है उसका असर होता है। तो जब बिला जरूरत बाहर निकलेंगी वो बुरको में कुछ भी हो तो बाहर देखेगी, कुछ हालात को देखेगी, कुछ तस्वीरें देखेगी, कुछ मर्दों पर नजर पड़ेगी और कुछ गाने बाजे वगैरह की आवाजें कानों में पड़ेंगी। गाने बाजे के सिवा वैसे ही बेकार लड़की आकर फौज कराने वगैरह, वो तो जहाँ इंसान आजकल कोई गालियाँ बालियाँ पकते रहते तो कुछ कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, और फिर सवारी में जहाँ भी जाती है सवारियों में भी वो गाने बाजे लगे हुए होते हैं, सपोज टीवी सपोज शहवत के लिए मुहैया बन नहीं गई, उनसे शहवत भड़कती है, बेदीनी पैदा होती है। और दौरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफर जिहाद में तशरीफ ले जा रहे थे, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस बात से ऊँटों को मस्त करके तेज चलाने के लिए वो कुछ पढ़ने का दस्तूर था, कुछ अशआर पढ़ने का। हज़रत अंजशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इस लिए से उस तरह तरन्नुम से कुछ अशआर पढ़ने शुरू किए कि ऊँट बल्दों पर तेज चलते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुबैदा का या अंजशा सवका बिल खवारी, उस दिन खवातीन भी थी, तो फरमाया अंजशा रुक जाओ, सुरीली आवाज से शेर मत पढ़ो, देखो ऐसे हैं कि तुम्हारे साथ शीशे ही शीशे, यानी औरतों का जिन औरतों का दिल इतना नर्म और नाजुक होता है जैसे कि शीशा, शीशे को जरा सी चोट लगी टूटा जो टूट जाएगी, सोचे कौन लोग अधूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाइये थी। सफर सफर जिहाद है, पढ़ने वाले अल्लाह के मुकर्रर बंदे सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला, सुनने वाली खवातीन सहाबी याद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, सहाबी याद जिनमें गालिबन उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। ऐसे मौके में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई कि सुरीली आवाज से मत पढ़ो, शीशों को ले जा रहे हो, शीशों को टूट जाएगा, तो जहाँ इतनी शफ़ात और ऐसी तंबीह फरमाई तो वहाँ आजकल के माहौल में जहाँ बाहर निकली कहीं जाने की आवाज़ उधर से आ रही है, उधर से आ रही है,
आ रही है, ये शीशे तो पहले से टूटे हुए हैं, इनका क्या बना? नाम को ग्राम। तीसरी वजह वो ये कि बुरी स्वभाव, बुरी सोहबत का असर पड़ता है। इससे पहले नंबर में तो ये बताया ना कि कोई आवाज सामने पड़ेगी, कोई चीज नजर के सामने आएगी। इस आखिरी नंबर में ये बता रहा हूं कि उनसे पापे नजर कोई चीज जिसने देखी नहीं, भारत बाहर निकली कोई चीज देखी नहीं, वो पर्वे महान कोई आवाज भी इसके कार में नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। मतलब बुरी सदा बुरा माहौल, उससे कोई बात सुनने में न भी आए और देखने में न भी आए, बुरे माहौल बुरी खबर का असर सलम सलम उसका असर पड़ता है। इसलिए इन औरतों का बचना बहुत मुश्किल है। जब बाहर निकलती हैं तो बना के मवाके शौर खुद फराम करते हैं, उसमें शौर जो लेकर जाते हैं, इसलिए कि तंदुरुस्ती रहे, दिल बर्बाद हो जाए, आलम तंदुरुस्त रहे और कल बर्बाद हो जाए, बहुत बड़े धमाका, बहुत बड़े धमाका। फिर जब कल बर्बाद हो जाता है तो काल भी दुरुस्त नहीं रहता, उसका हाल भी फिर वही हो जाता है, तो सुकून नसीब नहीं हो सकता। बल्कि ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको शाय करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और वो खवातीन जो पक्की दीनदार हैं वो इसकी ज्यादा से ज्यादा इशाअत करें, और जब दरमियान दरमियान में लौड़ा करेंगे कि मरी नहीं जाएंगी तो सेहत खराब हो जाएगी, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा सुना अल्लाह तआला आकर आप फरमा दें। आप जो औरतें दरमियान दरमियान में हैं ना, अभी नई नई दीनदार बनती हैं, तो वो जो कहती हैं कि अगर हम शहर के लिए बाहर नहीं निकलते तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए दूर दूर शहर के लिए जाने का शौक होता है। उस पर एक मौन हुआ है, उसका खुलासा बताना चाहता हूँ। ये कैसे लोग को शायद करना चाहते हैं कि उसका खुलासा जरा वजाहत से। आखिर ये है कि बहुत सी खवातीन ये समझती हैं कि वो बेदीन माहौल और बुरे मुआशरा से बचकर दीनदार बन गई हैं। वली अकुल्लाह बल्कि वलियातुल्लाह बन गई, समझते हैं, तो बच गई हैं बुरे मुआशरे से, दीनदार बन गई। इसके बावजूद उनको ऐसे ख्यालात आते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलेंगी, कुछ तकलीफ नहीं करेंगे और मरी वरी नहीं जाएंगे, तो वो समझते हैं कि बीमार हो जाएंगे। ये उनके ख्यालात हैं। तो इनके बारे में उस मौजूद में तफसील बताई गई है कि जो ये समझती हैं कि हम सच्ची दीनदार बन गई, नफ्स व शैतान बुरे माहौल बुरे मुआशरे से बच निकली हैं, और फिर उनको ऐसे ख्याल आते तफरी के लिए निकलेंगे तो सेहत ठीक रहेगी, घर में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ये ख्यालात इसके दलायल हैं कि अभी वो दीनदार नहीं बने, अभी दीनदार नहीं बने। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर है, दीनदारी अभी आगे है। ये ऐसे ही इनका ख्याल बातिल है कि समझते हैं कि दीनदार बन गए। जो खातून दीनदार बन जाती है वो घर से बाहर पांव निकालेगी तो बीमार हो जाएगी, घर की चार दीवारी में रहेगी तो उसकी सेहत अल्लाह ताला बहुत बेहतर रखेंगे, बहुत बेहतर। ये हासिल है इस मज़मून का। जिन ख़वातीन को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बेदीनी से निकाल कर नफ्स व शैतान के फंदे से छुड़ा कर दीनदार बनाया, अल्लाह की इस रहमत का शुक्र अदा किया करें। शुक्र में से एक बात यह भी है कि घर से बाहर निकलने की बातें सोचना छोड़ दें।
ये ख्याल के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तशरीह के लिए कहीं नहीं जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हालांकि बिक्री है। ये नियमत, ये रहमत जो उसने बेदीनी से बचाया, दीनदार बनाया, इस नियमत और रहमत की बहुत बड़ी नाशुक्री, बड़ी नाशुक्री, बड़ी नाशुक्री ये है। फिर भी ये लोग ये सोचते रहे कि घर में रहेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी, घर से बाहर निकलेंगे तफरीह के लिए तो सेहत ठीक रहेगी, इससे बड़ी नाशुक्री क्या हो सकती है। अल्लाह ताला पर एतमाद नहीं, अल्लाह ताला पर जैसा ईमान होना चाहिए वो ईमान नहीं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल नहीं, इतनी भी तो अकल नहीं, इतनी बात भी तो नहीं सोचते कि जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक घर में बंद होकर बैठे हैं तो वो अल्लाह हमारी निगाहबानी और हमारी हिफाजत क्यों करने नहीं देगा। एक बात कभी बहुत दावे से कही थी, अब फिर लौटाता हूँ और उस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। वो ये कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए अल्लाह की नाफरमानियां तजर्बे के लिए छोड़ें, तजर्बे के लिए, गुनाहों को छोड़ने का चाहे इरादा न करें, ऐसे तजर्बे के लिए क्या होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बार बार ऐलान फरमाते हैं, बार बार, जो शख्स मेरी नाफरमानी छोड़ देता है मैं उसके दिल को सुरूर से भर देता हूँ, सुरूर। अल्लाह ताला के इस वादे पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बिशारत पर आज के मुसलमान को ईमान नहीं आ रहा। चलिए वैसे अगर ईमान इतना नहीं है, पक्का आदि कच्चा कच्चा ही ईमान है, तो तजर्बा के लिए गुनाहों को छोड़ने की नीयत न करें, क्यों ये ख्याल हो कि अगर हमने नियत कर ली तो फिर छूट ही जाएंगे हमेशा के लिए, फिर तो हमेशा मरते ही रहेंगे, पेचते ही रहेंगे, दुनिया में जिंदा कैसे रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, घर बैठे बैठे टीवी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो, जो तो आप छोड़ने की नियत न करें, ऐसे ही तजर्बे के। एक हफ्ता जो शख्स गुनाह छोड़ेगा तजर्बे के लिए, तुम्हें दावे से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला दिल में सुकून पाएगा। एक हफ्ते के बाद खुद फैसला करें कि दिल में क्या था, क्या हो गया, दिल में कितना बड़ा इंकलाब आ गया, अल्लाह ताला की कैसी रहमत थी, कैसी रहमत, तजर्बा तो करें। ऐसे ख्वातीन से भी मैं ये कहूंगा कि वो तस्रीह के लिए बाहर न निकलें तो एक दो महीने तजर्बा करें घर में बैठकर। अगर रोजाना तफरीह के लिए निकलने की बुरी आदत है, अपने ख्याल में वलीयतुल्लाह बन गई मगर सुबह को तफरीह के लिए निकलने की या रात को तफरीह के लिए निकलने की आदत है, एक हफ्ता ना निकले तजर्बा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। और अगर कहीं दूर तफरीह के लिए जाने की आदत है महीने में एक बार, तो उस
उसका तजर्बा करके देखेंगे, एक महीना ऐसे गुजार दें न निकले तो एक महीना और गुजार दें, तो इंशाअल्लाह ताला तजर्बा बताएगा कि खवातीन के लिए घर में रहने में यही फायदा इस लिहाज उनकी ज्यादा बेहतर है घर में रहने दीनदार खवातीन। तीन महीने तो शायद कोई सब्र करती होंगी, हर तीन महीने में मेरा ख्याल है, सुनता रहता हूँ, तीन महीने में एक बार मरी जाना जरूरी है, पहुंचती भी मरी है, उस नाम की भी बराकत हासिल करती हूँ कि मरी जा रही हूँ, जैसे पैसा बताया था ना मरी जा रही हूँ, इश्क में मरी जा रही। आप लोगों को ज्यादा तजर्बा होगा मालूम आज तो होंगे, मेरा ख्याल तो यह है कि हर तीन महीने में एक बार तो मरी जा रही है जरूर कर दिया, मरी से इधर तो ठहरती ही नहीं। तो जिनको तीन महीने में एक बार इस गुनाह की आदत है तो वो चार महीने तो गुजरने दें, तीन महीने के बाद न जाएं, चार महीने गुजरने दें, फिर खुद ही फैसला करें कि घर में रहने से सेहत ज्यादा बेहतर हुई है वहां याद कर रहे हैं बाहर उसमें सेहत ज्यादा बेहतर थी, खुद फैसला करेंगे घर में रहने से सेहत ज्यादा बेहतर रही। दुबई से एक खातून का खत आया है, उसने ये लिखा है कि जब मैं पर्दा नहीं करती थी तो बहुत परेशान रहती थी, किताब शेरोई पर्दा वाद शेरोई पर्दा पढ़ा तो पर्दा कर लिया, शौहर पर्दे में राजी नहीं, शौहर क्यों राजी नहीं वो वजह तो मालूम ही होगी जो बताता रहता हूँ, शौहर ये कहता है कि अगर बीवी ने पर्दा कर लिया तो दूसरे लोग मुझे अपनी बीवियां नहीं दिखाएंगे, अगर इसने अपनी बेटियां दूसरों को नहीं दिखाएं तो दूसरा कौन अहमक है जो अपनी बेटियां इसको दिखाएं, ये अपनी बीवी दिखाता है दूसरों की बीवियां देखने के लिए, बेटियां दिखाता है दूसरों की बेटियां देखने के लिए, ये शैतान जो नफ्स और शैतान बड़े उस्ताद बड़े खुशहाल, इसके दिल में बार बार ये बात डालते हैं, देखो तूने बीवी ना दिखाई तो फिर दूसरा कभी नहीं दिखाएगा। वो हाजी का तस्कर है ना, मक्का मुकरमा में मेरे मेजबान ने मुझसे कहा कि एक शख्स हमारे जानने वाले हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी औरतें ज्यादा बेहया है पूरी दुनिया में अव्वल नंबर, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने खत में लिखा है कि मैं नए बीवी बच्चों के हज के लिए आ रहा हूँ, ठहरूंगा आपके पास, और बड़ी सहूलत ये होगी कि पर्दे का तो सवाल ही नहीं, बड़े आराम से हज होगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा उन्हें खत लिखा है, तो मैंने जवाब में ये लिखा कि मेरी बीवी तो मेरे भाइयों से भी पर्दा करती है तो आपसे कैसे नहीं करेगी, तो मैंने मेजबान से कहा कि ये जो हाजी है ना, हाजी आपका दोस्त, ये बड़ा होशियार है, इतना होशियार के शैतान की शर्मा जाए, सैकड़ों शैतान इसके शागिर्द बने, ऐसा होशियार है ये कैसे होशियार है, इसका मतलब यह है कि वो जब हज के लिए आएगा आपके पास ठहरेगा तो आपको मकान का किराया मिलता रहेगा, उसको नाश्ता मिलता रहेगा, किराया कैसे मिलता रहेगा कि उसकी बीवी और बेटियों की ज्यारत आप करते रहेंगे तो मकान का किराया वसूल होता रहा, दीदार होता रहा तो मकान का किराया वसूल होता रहा, और वो आपकी बीवी और बेटियों को देखता रहेगा तो नाश्ता होता रहेगा, कोशिश तो करेगा कि खाना पूरा ही मिल जाए वरना कम से कम नाश्ता तो होता ही रहेगा, यह बड़ा शरीर के हाथ है, जाते हैं हज करने के लिए और कैसे कैसे दिलों में फसादात, अल्लाह ताला की कैसी कैसी बगावतें,
तो भाई से खातों ने लिखा कि मेरा शौहर मेरी दीनदारी से खुश नहीं है, मगर मैंने बेदीनी से तौबा कर लिए, पर्दा किया तो ऐसा वैसा पर्दा नहीं, शरई पर्दा किया, शरई बादशाही पर्दा पढ़कर उसके मुताबिक पक्का पर्दा कर। जब पर्दा नहीं करती थी तो बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान। पर्दे के बाद इतना सुकून, इतना उस पर उसने बहुत ज्यादा लिखा, बहुत ज्यादा, इतना सुकून। और मेरे बारे में बार बार ऐसा कि दिल से दुआएं निकलती हैं, बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ, आपने मुझे अजाब से बचाकर दुनिया में सुकून की जिंदगी दे दी, ऐसा ऐसा खत लिखा। तो ये मैं उनके तजर्बे, उनका तजर्बा दूसरी खवातीन के सामने पेश कर रहा हूँ, तो दूसरी खवातीन भी घर में बैठकर तजर्बा तो करें, तजर्बा। जितनी दीनदारी अल्लाह ताला ने दे दी उस पर शुक्र ये है, अल्लाह ताला का वादा है कि जिस नेमत पर इंसान शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसे तरक्की देता है। नेमत की नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला उस नेमत पर सल फरमा लेते हैं, कदर नहीं करता है, नाशुक्रा उससे वो नेमत वापस ले लेते हैं, डरें अल्लाह ताला के गिफ्ट से। जितनी दीनदारी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दे दी उस पर शुक्र में एक बड़ी चीज यह भी है कि मुकम्मल दीनदार बनने की कोशिश करें, मुकम्मल। अल्लाह ताला पर एतमाद बहाल करें, ईमान में कमाल हासिल करें, अल्लाह ताला के वादों में जो शक व शुबहात हो रहे हैं उनसे तौबा करें। الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم। इस आयत की तफसील तशरीह तो होती ही रहती है, पूरी नहीं दोहराता, मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा वादा फरमाया है, जो लोग अल्लाह की रजा के मुताबिक बन जाते हैं अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको कैसे खुश करते हैं, उनके दिलों में सुरूर भरा रहता है, सुरूर खुशियों से दिल भरा रहता है। एक शेर तो याद कर लें, कभी कभी पढ़ लिया जाए, سرورًا 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 سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور۔ اللہ کی محبت میں اتنا سرور ہے، اتنا سرور کہ سرور کے نام، سرور کا نام لینے سے بھی مزہ آتا ہے، سرور کا نام لینے سے مزہ آتا ہے، ایسا سرور ہے، ایسا من عامل منكم صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه۔ جو بھی ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو پرسکون زندگی دیں گے، پرسکون، پریشانیاں نہیں رہیں گی، خوشی سے دل بھرا رہے گا۔ عقلی لحاظ سے دیکھ لیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے نا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرو، اللہ تو ایسے ہی ہے چھوڑ دے گا، تو شیطان کہتا رہے نہیں نہیں یہ قرآن تو پرانا ہو گیا اور اللہ کے وعدوں پر ایسے یقین مت کیا کرو۔ اس کے لیے عقلی لحاظ سے سمجھ لیں، پوری دنیا کے عقلاء اور سائنس دانوں کا متفق علیہ فیصلہ، پوری دنیا وہ یہ کہ صحت کا مدار دل کی خوشی سے ہے، صحت کا تعلق دل کی خوشی سے ہے،
ظاہر کو کیسی راحت میں ہو, کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہو, کتنی بڑی کشادہ کھلی فضا میں ہو, کیسی بہتر سے بہتر آب و ہوا میں ہو, مگر اگر وہ غمگین رہتا ہے, دل میں سرور نہیں ہے, تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی. اب یہ گرتی جائے گی, گرتی جائے گی. اور اگر کسی کے دل میں غم نہیں, دل میں خوشی ہے, خوشی سرور ہے, تو اس کی صحت ٹھیک ہے, صحت خراب نہیں ہوگی. پوری دنیا کا یہ مسلم قاعدہ مسلم. اس لیے میں نے ایک قصہ بتایا تھا کہ جدہ میں انگریزوں کی کوئی کمپنی ہے, تو وہاں سے کوئی بڑا افسر آیا, تو کمپنی والوں نے بلوایا وہاں سے کوئی سائنسدان, لندن ونڈن سے کہیں سے یا امریکہ سے. اس نے کمپنی کے افسروں کو جمع کر کے ان کو بتایا, صحت کا راز بتایا کہ صحت کیسے درست رہے. یہ بتایا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ کچھ منٹ ہنسا کریں, مسکرایا کریں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں, ایسی ہنس کرا کر پاگلوں کی طرح تھوڑی دیر ہنسے. ان میں سے ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے اس نے یہ گور بتا دیا, صحت کا راز بتا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جس کو اللہ سے محبت قائم ہو جاتی ہے, اللہ سے, وہ تو ہر دم اپنے دل کے آئینے میں وہ تو محبوب کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے, ہر لمحہ ہر دم. سوتے میں بھی ایسے خواب دیکھتا رہتا ہے, سوتے ہوئے جاگتے ہوئے, صبح شام اس کو آئینے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو 24 گھنٹے مسکراتا رہتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں, تیری تصویر کی دل میں کھینچی معلوم ہو. بے شعر و ثانی ولا احد مفرال ازلی, ہوگا تیری تصویر سے ہر سو کھینچی معلوم ہو. بالکل مفرال ازلی, چلیے ٹھیک ہے. تو اکیلا بیٹھا ہوں تو سو گردن جھکائے جب دیکھتا ہوں تو دل میں تیری تصویر کھینچی معلوم ہوتی, باہر کہیں دیکھتا ہوں تو جدھر بھی دیکھتا ہوں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ستارے اور چاند اور آسمان, جدھر بھی دیکھتا ہوں پہاڑوں کو اور ہواؤں کو, درختوں کو, پھولوں کو, پتیوں کو, باغوں کو, ریت کو, چیلوں کو, جو بھی دیکھتا ہوں تو یوں خوش رہتا ہوں تیری تصویر سے ہر سو کھینچی معلوم ہو. جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری تصویر سے ہر سو کھینچی معلوم. میرے سامنے تو ہر وقت آئینہ ہی آئینہ رہتا, ہر وقت آئینہ ہی آئینہ دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہتا. گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی پھول. شاعر نے تو یوں کہا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی پھول. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ فرماتے ہیں یہ شاعر عارف نہیں تھا. عارف یوں کہتا ہے, گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی. برگ درختان سب در نوائی ہوشیار, ہر برگ دفتری سے معرفت کردار. ایک ایک پتی میں, پھول کی ایک ایک پتی میں
वो देखता है कि अल्लाह ताला की मारिफत और मोहब्बत के असबाबों के असबाब के दफ्तरों के दफ्तर दफ्तरों के दफ्तर खत्म नहीं होते। जामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया पाकिदर जाने की दारो चश्मे दीदार अंतुई हर की पैदा नीश बदर दूर सिंगार अंतुई मेरे महबूब मेरी खस्ता जान में भी तू ही बसा हुआ है, मेरी निगाहों में भी तू ही बसा हुआ के दर जाने सिगारो चश्मे दीदार। चश्मे बेदार तो वही होती है जिसमें अल्लाह ताला का तसव्वुर है। आजा मेरे दिल में तुम, आजा मेरी आंखों में, क्या हाल है, आ जा मेरे दिल में, अरे चलिए समा जा मेरे दिल में, आ जा मेरी आंखों में, समा जा मेरे दिल में, ठीक है ठीक। ऐसे तो तू मिलजुल कर काम चल रहा है। आ जा मेरी आंखों में, समा जा मेरे दिल में। दुआ की नीयत से सुनिए, दुआ की नीयत से आमीन के लिए खुद भी पढ़ते जाइए, कोई बात नहीं है। जो नमाज में सूरह फातिहा थोड़ा ही है कि आप पढ़ेंगे तो गुनाह हो जाए। आ जा मेरी आंखों में, समा जा मेरे दिल में, आ जा मेरी आंखों में, समा जा मेरे दिल में। अगर जाने रहने मतलब फरमाते यकीनी बात है, पक्की बात है, जिसमें कोई शक कोई शोभा ने हारी साहब वाला हक्का के दर जाने फिगारो चश्मे बीदर हम तुई हर की पैदा में तू मेरी जान में, मेरी रूह में, मेरी आंखों में, मेरी नजरों में ऐसा बसा रचा, ऐसा बसा रचा, ऐसा बस गया, ऐसा बस गया कि जिस चीज पर नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि तू ही है, तू ही तू नजर। तो एक मौलवी ने कह दिया कि जब खौफ पैदा है शोबत गदा नजर आए तो जामिया रहमतुल्लाह ने मौलवी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि पिंडारम तू ही, वो तू होगा, गदा नजर आ जाए तो तू है। जो शख्स हमारी बात नहीं समझता तो वो इधर आता ही क्यों, वो तो गदा है, उसको तो रागा में जाना चाहिए। यहाँ तो वही आए जो बादशाह जिले की सलाहियत है, वो आए सलाहियत ही नहीं तो गदा है, मौली होगा वो, तू वो फिर अपना समझोगा तू गदा है। तो मैं ये बता रहा था कि पूरी दुनिया का मुसल्लम उसूल क्या है कि दिल के सुरूर से सेहत आती है, दिल की गमी से मरग आते हैं। जिन्होंने अपने अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत कायम कर ली, उनके दिलों में हर हाल में अल्लाह ताला सुरूर रखते हैं, सुरूर से दिल उनके भरे रहते हैं, फिर उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। जिनके दिल बड़े सुरूर से खाली है, बड़े दायमी और बड़ा, अल्लाह की मोहब्बत का सुरूर बड़ा भी है, बड़ा जिसके सामने दुनिया भर की मसरतें गर्द हो पा कुछ नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की मसरत बहुत बड़ी मसरत, बहुत बड़ी और फिर दायमी हमेशा हमेशा के लिए,
उसके सामने ये छोटे छोटे सुरूर क्या हैं, वो मरीज को देख लिया और फलां जी फलां भाग में चले गया, फलां को देख लिया फलां को देख लिया, ये तो छोटी छोटी चीजें हार भी थी छोटी भी। जिसको बड़ी मसरत बड़ी राहत बड़ा सुरूर बड़ी नेमत और सेहत की सबसे बड़ी चीज जिसके दुनिया हर वक्त मौजूद है, उसे छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है, हानि और आयुर्वी चीजों की वो जरूरत नहीं समझता। जिसको वो हासिल नहीं तो वो यही है कि कहीं थोड़ा सा खुजली वाला जो है वो थोड़ा सा मरहम लगा दिया, थोड़ी देर के लिए सुकून हो गया तो फिर पहले से ज्यादा उभरेगी। गधे के दम के नीचे कांटा लग गया, उसने दम लगाई जोर से तो जरा जब लगाने का इरादा करता है समझता है कि सुकून मिलेगा, लगाने के बाद फिर तकलीफ हो जाती है, पहले से ज्यादा तकलीफ। दिल बहलाने के लिए कोई टीवी देखते हैं तो जरा सा सुकून मिला और जैसे देखकर छोड़ा तो हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है। तो दिल ये तो इन लोगों के इस मामले से ये बात और साबित हो गई ना कि दिल बहलाने से समझते हैं कि सेहत मिलती है, बहलाने की चीजें से सेहत मिलती है। इनके बहलावे ऐसे हैं कि आर्जी तौर पर तो कुछ मसरत पैदा होती है मगर वो उसके बाद उससे तकलीफ बढ़ती है। जिनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होगा वो घर में रहे तो उसके लिए अल्लाह का सुरूर हासिल और बाहर निकले तो हर जगह से अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह की मारिफत के सबक एक एक चीज से उसको मिले, मगर बाहर निकले तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। खवातीन के लिए अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि घर में रहें। तो जब वो ये सोचती हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, दीनदार बन जाए, पूरी दीनदार बन जाए, अल्लाह के वादों पर यकीन आ जाए, दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि ईमान सही हो जाए, ईमान, तो वो तो यही सोचेगी ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो जब अल्लाह राजी हो गया तो उसके दिल में कितना सुरूर होगा, कुछ ना पूछिए कितना सुरूर, कितना सुरूर, कितना सुरूर। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, जब तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी, तो कितना सुरूर होगा, जब तू मेरा तो सब मेरा। अरे जमीन और आसमान पर हमारी हुकूमत है, इसलिए कि तू मेरा, जब तू मेरा तो सब फलक मेरा जमीन मेरी। जमाल और इश्क की दुनिया के हम दोनों ही मालिक हैं, तो अर्शी है तो मैं फर्शी, फलक तेरा जमीन मेरी। जमाल और इश्क की दुनिया के हम दोनों ही मालिक हैं, तो अर्शी है तो मैं फर्शी, फलक तेरा जमीन मेरी। सारी किबरियाई तेरे लिए और सारा अजब इंकिसार मेरे लिए, तो आमने सामने है तेरे लिए किबरियाई मेरे लिए अजब इंकिसार। अरे कुछ ना पूछे ऐसी मुसर्रतों का, कुछ ना कितना बड़ा सुख। गमों फिक्र तो उसके दिल के करीब आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। क्या फरमाया, ऐसी खातून अगर किसी मजबूरी से कहीं बाहर चली जाए, घर से बाहर, तरह तरह की रंगीनियां उसको दिखाएं, मरी वरी की सैर करवाते रहें, अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक है तो वो ये कहेगी, हसीनों में दिल लाख बहला रहे हैं मगर हाय फिर भी वो जाना है। जैसे टीवी के पर्दों पर कुछ मनाजर दिखलाओ, जैसे बाहर वो मरी वरी दिखलाओ, कुछ भी दिखलाओ, कुछ भी कर लो, हमें तो बस वही जाना है। हसीनों में दिल लाख बहला रहे हैं मगर हाय फिर भी वो जाना है। उसका हाल ये होता है,
घर में अकेली बंद बैठी है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी घर में तन्हाई में अकेली बंद बैठी है। लोग समझते हैं कि अरे बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है, अब बीमार हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, बहुत परेशान है। उससे कोई पूछे तो वो क्या कहती है, न खलवत में भी रह सके हम अकेले, के दिल में लगे हैं हसीनों के, अकेले थोड़ा ही है, हमारा अल्लाह हमारे साथ, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है, वो खुश हो रहा है कि मेरी बंदी मुझे राजी करने के लिए घर में बंद होकर बैठी है, वो मेरे साथ, जिसके साथ उसका महबूब हर वक्त हर वक्त, और दिल दिल में वो कह भी रहा हो कि मैं तुझसे राजी, मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, वो दिल दिल में कह रहा है उसको, तो कैसे उसकी सेहत खराब हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला पर पूरा ईमान नहीं तो दुनिया भर के मुसल्लम फायदे ही को सामने रखें तो दिल की खुशी से सेहत होती है, तो अल्लाह का बंदा उसी चीज में खुश रहता है जो अल्लाह का खुश नहीं है, उसी में खुश होता है, उसके खिलाफ जाने में उसका दिल खुश नहीं होता, गमगीन होता है। तो सेहत और मर्ज का यही मदार और यही मेयार है, अल्लाह ताला अकल अता फरमाए, अपने ऊपर कामिल ईमान अता फरमाए, और दुनिया की बात और उसूल समझने, उसूल समझने जैसे अकल भी अता फरमाए। जिस दिल में अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का ताल्लुक पैदा हो जाता है, वो दिल की उन मुसर्रतों से हर वक्त खुश रहता है, उसे दुनिया की रंगीनियां देखने का शौक नहीं होता, समय सिगर हवसत का शत के बसेरे सर्वो समंदरा از غن چه کم ندمی دائی در دل کشا بچمن درا، فرمایا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ تو سرب و سمن کی سیر کا شوق رکھتا ہے، ظلم از غن چه کم ندمی دائی در دل کشا بچمن درا، تو تو خود غنچہ سے کم نہیں ہے، दिल का दरवाजा खोल और चमन में पहुंच जा, दिल का दरवाजा खोल अल्लाह ताला की मोहब्बत के बागों में पहुंच जा, तो ये क्या पड़े कि दुनिया के सर्व सर्व समान की सैर करे, इससे ज्यादा हमाकत क्या हो सकती है। एक डॉक्टर ने बताया कि जो शख्स जो मरीज अस्पताल में दाखिल हो जाता है वो सेफ हो जाता है, मतलब यह है कि अस्पताल में दाखिल होने के बाद मरीज को या उसके रिश्तेदारों को परेशान नहीं होना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर के हाथ में सेफ हो चुका है, अब कोई परेशानी, हालांकि डॉक्टर का इल्म नाकिस, मोहब्बत नाकिस, कुदरत नाकिस, हिकमत और मसलहत नाकिस, अल्लाह ताला का अपने बंदों के हालात से इल्म कामिल, कुदरत कामिला, मोहब्बत कामिला, बंदों की मसलहत और हिकमत उसके हर वक्त पेश नजर, वो कामिला, जब डॉक्टर के पास पहुंच जाने से, अस्पताल में पास पहुंच जाने से कहते हैं कि परेशानी बाकी नहीं रहती, सेफ हो गया, तो जो अल्लाह के हाथ में सेफ हो जाए, अल्लाह ताला के रिजा को हर वक्त मद्देनजर रखे, पेश नजर रखे, वो कैसे परेशान हो सकता है। खवातीन को तो अल्लाह ताला ने पैदा ही घर रहने के लिए फरमाया, घर रहने के लिए पैदा फरमाया, इसीलिए दुनिया में हर जबान में खातून को कहा जाता है घर वाली, उर्दू में तो कहते ही हैं, बीवी को कहते हैं घर वाली, फारसी में कहते हैं अहले खाना, इसके माना भी घर वाली,
और अभी में कहते हैं अहलुल बैत, इसके माना भी घर वाली। शिया लोग अगर फातिमा, हसन, हुसैन, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को अहले बैत कहते हैं, कहने में मामला बोलने में इस वक्त बरक्स हो गया, कहना यूं चाहिए। ये शिया के अकीदे के मुताबिक मैंने इस तरतीब से कह दिया, वरना कहना तो यूं चाहिए, सबसे पहले नाम आए हज़रत अली, फिर हसन, हुसैन, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। शिया लोग इनको अहले बैत कहते हैं, ये उनका इल्हाद है। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में उनकी अहलिया हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अहले बैत फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कुरान करीम में अल्लाह तआला ने अहले बैत फरमाया। और हर जबान में, हर लगत में अहले बैत घर वाली बीवी ही को कहा जाता है। तो अल्लाह तआला ने ख्वातीन को तो पैदा ही इसीलिए फरमाया है कि वो घर में रहें, घर में रह कर उमूर खानादारी को अंजाम दें, शौहर की खिदमत करें और अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। जब उनको पैदा ही इस मकसद के लिए फरमाया तो उनकी सेहत भी उसी से वाबस्ता करती है। जो ख्वातीन अल्लाह को राजी नहीं रखती, शैतान को राजी रखना चाहती हैं, तो उनके लिए उनके दिलों में ऐसे ख्याल पैदा होते हैं कि बाहर चलेंगे तो सेहत ठीक रहेगी, घर में रहेंगे बंद होकर रहेंगे, अल्लाह के रजा के मुताबिक रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये अल्लाह के रहमान की बंदियां नहीं हैं, ये शैतान की बंदियां। मर्दों के साथ भी अल्लाह ताला का ये मामला है कि जिसके लिए जो खिदमत मुकद्दर फरमा देते हैं, उसी किस्म की हवा, उसी किस्म की फवा, उसी किस्म का माहौल अल्लाह ताला उसके लिए मुताबिक बना देते हैं। अगर किसी से मुतअल्लिक़ अपने दीन की ऐसी खिदमत फरमा देते हैं कि उस खिदमत को अंजाम देने के लिए एक ही जगह बैठ कर जम कर काम करना ज़रूरी है, इधर उधर जाना, बाहर निकलना, दूसरे खिदमत की तरफ मुतवज्जे होना, वो उसकी इस खिदमत के असली और बुनियादी खिदमत में जो चीज़ें मुश्किल होती हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तबीयत ऐसी बना देते हैं कि एक जगह पर बैठकर बंद होकर काम करता है तो उसकी सेहत ठीक रहती है। बाहर कहीं जाता है तो अल्लाह ताला उसको बीमार कर देते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, ताज्जुब करते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हर वक्त कैसे बंद रहते हैं। मेरा तो मामला ही, अल्लाह ताला का मामला ही मेरे साथ ये है कि बंद रहता हूँ, काम में लगा रहता हूँ, सेहत ठीक रहती है, और जहाँ कहीं बाहर निकला तो अल्लाह ताला बीमार कर देते हैं। तो ख्वातीन तो हैं ही घर में रहने के लिए, अगर वो खातून है, औरत है, बंदी है, तो घर में उसकी सेहत ठीक रहेगी, बाहर में चलेगी तो बीमार हो जाएगी। और अगर वो है शैतान की बंदी तो उसके लिए फिर वही मामला होता है, बाहर चलती फिरती रहे, मरी जाती रहे, तो मरी भी जाए और फिर मरी भी जा रही है, समझ ही गए होंगे, मरी ही जा रही है, तो उनकी सियास वहीं ठीक रहती है। अल्लाह ताला का जो मामला, जिस इंसान जो ताल्लुक अल्लाह से जैसा रखता है, अल्लाह का मामला उसके साथ वैसा ही होता है। तो ख्वातीन हैं ही घर के लिए और मर्दों की किस्में दो हैं, जिनसे अल्लाह ताला खिदमात दीनिया एक जगह बिठा कर लेना चाहते हैं तो उनकी तबीयत वैसे बना देते हैं कि घर की फवा उनके लिए सेहतमंद रहती है, बाहर निकल के बीमार हो जाते हैं। अब जिनसे मुताबिक बैरूनी खिदमात अल्लाह ताला मुकद्दर फरमा देते हैं, मुअज्जिन फरमा देते हैं, तो उनकी सेहत वैसी बना देते हैं। सब कुछ है तो अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में, वो जो चाहें, जैसे चाहें, जिसके लिए चाहें, जो माहौल चाहें, जैसी फवा चाहें, वो सब उसकी कुदरत में।
किसी के लिए कोई फवाद सेहतमंद बना दें, दूसरे के लिए उसके बरात दूसरी फवाद सेहतमंद बना दें, वो सब उसका रहमत कारण है। وَصَلِّ اللَّهُمَّ لَبَارِكْ وَسَلِّمَ لَعَابِدِكَ وہ وقت مجھ سے بات کرنے کا نہیں تھا، ٹیلی فون پر بات کرنے کے اوقات متعین ہیں، وہ وقت نہیں تھا تو انہوں نے مولانا صاحب نے جواب میں کہہ دیا کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے، یعنی فون پر بات کرنے کا وقت نہیں۔ چار پانچ منٹ گزرے کہ ایک مرکزی وزیر کا فون آ گیا۔ مرکزی کو کیا کہتے ہیں؟ وفاقی وزیر صاحب کا فون آ گیا۔ یوں لگتا ہے کہ شاید دونوں کہیں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا پہلے کوشش کی ہوگی فون پر آپس میں رابطہ کیا ہوگا، پہلے سمجھے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ سے بات کر لے گا، اور وہ کامیاب نہیں ہوا تو سمجھے ہوں گے کہ یہ تو وفاقی وزیر ہے، اور ویسے بھی اس کے اوصاف بھی کچھ بلانی تھی، اگر بتا دوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے تو نہیں بتا سکتا۔